आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ओम श्री गणेशाय नमः, राधे राधे, ओम नारायण नमो नामर नारायण। मित्रों जय माता जी। मेरे प्यारे मित्रों को आज हम बात करेंगे नवग्रहों के बारे में। अगर आपके कुंडली में कोई भी नवग्रह से प्रभावित हैं, आपको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको बिजनेस में समस्या है, व्यापार में समस्या है, आपके पति पत्नी के बीच में समस्या है, या आपके प्रेम जीवन में समस्या है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको समस्या है, तो आज हम घर बैठे बैठे नवग्रह की शांति या नवग्रह की शुभ फल कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, आज इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए बात करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवग्रह के दोष लक्षण के बारे में आज हम बात करेंगे, उसके बाद इसकी विधि क्या है और कैसे कर सकते हैं नवग्रह से छुटकारा, किसी खराबी से, इसके बारे में बात करेंगे हम सूर्य से केतु तक। मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में माना जाए किसी भी ग्रह का दोष से ग्रस्त होना आदमी के लिए आम बात है। जब भी कुंडली में ग्रह की परिवर्तन होती है या नवग्रह में राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफान आ जाते हैं, आपको बहुत सारे संकट आ जाते हैं, बहुत सारे दोष लग जाते हैं, कोई रोग हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी की हानि हो जाती है, किसी की समस्या बिगड़ जाती है, शत्रु के कारण आप परेशान हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नवग्रह के दोष के ग्रस्त के कारण से हो सकते हैं। आज मैं ऐसे आपको 9 उपाय आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में कभी भी नवग्रह के दोष नहीं रहेगा और आपके जीवन में काल सर्प योग होगी, शनि का अढ़ैया साढ़े सती हो गया और केतु का, आपके किसी भी ग्रहों का उपाय के बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके कुंडली में सूर्य खराब है, आपके कुंडली में सूर्य डिग्री वाइज कम है और आपके कुंडली में सूर्य वृद्ध अवस्था में है, मारक अवस्था में है, त्रिक भाव में बैठा हुआ, शत्रु घर में बैठा हुआ, तो अगर इसके बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देता है, आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, आपको काफ़ी परेशानी, सिर दर्द, बुखार, नेत्र संबंधी कष्ट और विभिन्न सरकार से, राज्य से, नौकरी में आपकी काफ़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो आपको क्या करना है, सूर्यदेव को अच्छा बनाने के लिए, उनके लिए शुभ फल प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का एक माला चंदन की माला से जप करें। गुड़ खाकर पानी पीकर ही किसी कार्य को प्रारंभ करें। बहते हुए पानी में आप 250 ग्राम गुड़ को प्रभावित कर दें और 5.25 रत्ती का मणिक आप तांबे के अंगूठे में बनवाएं और धारण करें। रविवार के दिन में सूर्य उदय के समय आप दाएं हाथ की मध्यम उंगली में इसको धारण कर सकते हैं और आप मकान में दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा रखें और पशु पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और घर में दादा दादी माता पिता का आशीर्वाद सदा बार लें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी नवग्रह के दोष बिल्कुल नहीं लगेगी जो सूर्य खराब हो तो। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा खराब हो और चंद्रमा से आप पीड़ित हैं, तो चंद्रमा पीड़ित के कारण से कई कारक हो जाते हैं, जुकाम, पेट की समस्या, बीमारी, परेशानी, घर में अपसय, पशु का मृत्यु होना, किसी की मृत्यु होना, आसन का कारण, शत्रु बढ़ना, धन की हानि होना, मन में आपको कंट्रोल नहीं करना, विभिन्न बातों से लेकर आपकी झगड़ा होना, यहाँ पे ये चंद्रमा के कारण से भी हो सकता है। आप अगर चंद्रमा आपके कुंडली में खराब है तो चंद्रमा को आप अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जप करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी अशुभ नहीं रहेगी। बड़े बुजुर्ग और ब्रह्मांड गुरु जनहरों की आशीर्वाद जरूर लें और आप सोमवार के दिन में सफ़ेद कपड़े में आपको मिश्री बांधकर जल में प्रभावित कर दें। चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती का मोती सोमवार के दिन में अनामिका उंगली में धारण करें। शीशे के गिलास में दूध पानी से परिजय रहें, इसमें बिल्कुल नहीं पीना है चंद्रमा खराब हो तो। और 28 वर्ष के बाद आप विवाह का निर्णय लें, 28 वर्ष से पहले शादी ना करें और लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पॉकेट में रखें। माता पिता की सेवा, गौ सेवा करने से आपके ये दोष अंत हो जाएंगे। और अगर आपके कुंडली में मंगल खराब है
तो मंगल खराब होने के कारण से कई लक्षण आ जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। घर में चोरी होना, डर होना, मन का कोई बात नहीं कर सकना और आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, आशंका, भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ना, दाम्पत्य जीवन में तनाव, अकाल मृत्यु की असंख्या, चोटपटक, दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि होना, ये मंगल के कारण से हो सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मंगल के कारण से अगर हम इसको उपाय करें तो हनुमान जी की आराधना करें। ओम हम रुद्र मते रुद्र आत्मकाय, ओम एक बार फिर समझ लीजिए, ओम हम हनुमते रुद्र आत्मकाय ओम फट कंपी व्यो नमः मंत्र का एक माला जप करें, हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें रोजाना, त्रिधातु की अंगूठी बनाएं और आप बाएं हाथ की उंगली में इसको धारण करें, अनामिका उंगली में 400 ग्राम आप चावल दूध से धोकर आप 24 दिन किसी पवित्र जल में प्रभावित कर दें और घर में नीम का पौधा लगाएं और आपको बहन बेटी मौसी बुआ साली को मीठा चीज़ खिलाएं और बहन या बुआ को कपड़े भेंट करें, तंदूर की रोटी कुत्तों को खिला दें। ऐसा करने से मंगल की दोष से आपको जीवन में कभी मंगलिक दोष भी नहीं लगेगा और मंगल से जो अशुभ फल है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब हो मेरे प्यारे मित्रों, बुध के स्वभाव से आपको चिड़चिड़ापन, शिक्षा में समस्या, बिजनेस में समस्या, धन की बड़ी हानि, दांत की समस्या, परेशानी, सिर दर्द, अधिक 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 से अधिक तनाव आपके जीवन में अगर उत्पन्न हो तो आप माता दुर्गा की आराधना करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे मंत्र का 5 माला जप करें, देवी के सामने अखंड दिया जलाएं और घर में पूर्व दिशा आपके लिए लाल झंडा लगाएं, सोने के आभूषण या धारण करें, गहर गने हरे रंग से परेज रहे हैं, थाली बर्तन को ढककर रखें और चौड़े पत्ते वाले घर में कोई भी ऐसे वृक्ष को लगाएं, मुख्य द्वार में पंचबल के तोरण लगाएं, 100 ग्राम चावल चने की दाल बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से बुध की जो अशुभ दोष है आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपकी कुंडली में गुरु का दोष के लक्षण से आपके जीवन में समस्या है तो इससे नशा माइंड के लिए आपके जीवन में अब सोने की चीज़ हानि होना, चोरी होना, आशंका शंका, उच्च शिक्षा के लिए बाधाएं, विदेश के लिए बाधाएं, झूठा आरोप लगना, मान सम्मान में कमी होना, पिता को हानि, आशंका आदि होना, ये बृहस्पति के कारण से हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप परम पिता ब्रह्मा की आराधना करें और बहते हुए पानी में बादाम तेल नारियल को प्रभावित कर दें, माथे में केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं और सोने के अंगूठे में आप 5.25 रति का पुखराज गुरुवार के दिन बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें, पूजा स्थल में नियमित रूप से सफाई करें और पीपल के पेड़ के 7 बार आप पीला धागा लपेट कर जल प्रभावित कर दें, 600 ग्राम पीले चने अब चने की दाल जो है मंदिर में दान कर दें, जुए सट्टे की तल न पालें, बिल्कुल नशीला पदार्थ सेवन न करें, मांसाहार और मदापान बिल्कुल ना करें, परहेज रहें, कारोबार में भाई के साथ आपको लाभकारी संबंध मधुर बनाए रखें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुरु संत महाराजों की आप सेवा करना काफ़ी अच्छा हो जाता है और गुरु के दोष नहीं लगते। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र के साथ आपको बिना कारण अब आपका घर गाड़ी जगह जमीन भूमि अगर आपके जीवन में कमी हो, बार बार समस्या आ रही है, तो बिना किसी बीमारी के अंगूठे तत्व को संबंधी रोगों से परेशानी है, तो राजनीतिक के क्षेत्र में हानि, प्रेम में, दाम्पत्य संबंध में लगाव, जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य को लेकर तनाव आदि हो, तो आपके प्रेम जीवन में समस्या आ रही, पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही, कुछ भी हो तो आप शुक्रदेव को अच्छा करें, महालक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मीये नमः, रोज रात मंत्र को एक माला जप करें, महालक्ष्मी को कोमल के पुष्प चढ़ाएं और मंदिर में आरती पूजा के लिए गाय का घी दान करें, 2 किलो आलू में हल्दी और केसर लगाकर गाय को खिला दें, चांदी या मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर की छत में दबा दें और आप आड़ू की गुठली और सुरमा बनाकर घास वाले स्थान में दबा दें, शुक्रवार के दिन मंदिर में कांस के बर्तन दान करते हैं और लाल रंग के गाय को आप सेवा करें, 800 ग्राम जिमीकद मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर शुक्र भी खराब हो तो आपको शुभ फल की वृद्धि होगी, कभी भी दुख कष्ट नहीं आएंगे। मेरे प्यारे मित्रों,
अब शनि अगर आपकी कुंडली में खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, पैतृक संपत्ति हानि होने में लग जाती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा बीमार से परेशानी, मुकदमे के कारण परेशानी उठानी पड़ती है, तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप भगवान भैरव जी का आराधना करें आप अगर ऐसे हो तो। ओम प्राम प्रेम प्रौम सम शनिश्राय नमः मंत्र का एक माला जप करें। शनि देव के लिए 1 किलो सरसों के तेल से अभिषेक कराएं। सिर पर काला तेल लगाने से परिजय रहे आप बिल्कुल नहीं लगाना। 43 दिन तक लगातार शनि देव की मंदिर में आप जाकर नीले पुष्प चढ़ाएं। कौ या सांप को दूध पिलाएं, चावल खिलाएं और किसी बर्तन में तेल भरकर अपना चेहरा देखें और बर्तन जमीन में दबा दें। शनिवार के दिन 800 ग्राम दूध और उड़द की दाल जल में प्रवाहित कर दें और जल में दूध मिलाकर किसी लकड़ी या पत्थर बैठकर स्नान करें। घर की छत पर सफा रखें, कभी भी गंदा नहीं रखना है, ध्यान दें। और 12 नेत्रहीन लोग, जो 12 लोग हैं जो नेत्रहीन हैं, उनको भोजन कराएं। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी शनि अढ़ैया, सड़े सती और शनि का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगली बात करेंगे हम राहु का दोष। अब ये राहु का दोष जब भी कुंडली में किसी की अंतरदशा महादशा चलती है या मार्ग अवस्था में वृद्ध अवस्था में हो या किसी अशुभ घर में हो तो ये बहुत कष्ट देता है। काल सर्प योग से भी आदमी के जीवन में बहुत तस नस होती आती है। अब मोटापा के कारण परेशानी, अचानक दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा होना, आशंका, व्यापार में घाटा होना राहु के कारण से हो जाते हैं। माता सरस्वती की आराधना करें। ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का जप करें एक माला। तांबे के बर्तन में गुण गेहूँ भरकर आप जल में प्रवाहित कर दें। माता से संबंध मधुर रखें और 400 ग्राम धनिया बादाम जल में प्रवाहित कर दें। घर की दलजिन में नीचे चांदी का पत्ता लगाएं। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर निर्माण ना कराएं कभी भी। रात में पति पत्नी के सिर के नीचे 5 मूली रख दें, जो सिराने के नीचे, और सुबह मंदिर में दान कर दें। माता सरस्वती के चरणों में लगातार 6 दिन तक नीले पुष्प चढ़ाएं। चांदी की गोली हमेशा जेब में रखें। लहसुन प्याज मसूर सेवन करने से दूर रहें। अब मेरे प्यारे मित्रों, केतु से, अगर केतु आपकी कुंडली में हैं तो केतु से अगर अशुभ है, केतु से अशुभ फल मिल रहे हैं आप, तो बुरी संगत के कारण धन हानि होना, नसों की हड्डियों की दर्द होना, परेशानी, संतान का भाग्योदय होना न होना आदि समस्या आना, स्वास्थ्य में समस्या आना, तनाव का कारण कई कारण बन सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप ये उपाय जरूर अपना सकते हैं। आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। ओम गण गणपति नमः मंत्र का जप करें। ओम गणेश अर्थशास्त्र का पाठ करें। कुमारी कन्या को पूजन करें। पत्नी का अपमान ना करें। घर में मुख्य द्वार में दोनों तरफ तांबे की कील ठोक दें और पीले कपड़े में सोना गेहूँ बांधकर कुल पुरोहित को दान कर दें। अब दूध चावल मसूर की दाल दान कर दें। बाएं हाथ में उंगली में सोना पन्ने से पहले आप 43 दिन तक मंदिर में लगातार केला दान कर दें। काले व सफ़ेद तिल बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी नौ ग्रहों की दोष कभी नहीं लगेगा। जितनी भी कुंडली में ग्रह खराब होगी तब भी आपके जीवन में कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। आपके जीवन में उन्नति और प्रगति, सुख शांति समृद्धि सदाबहार मिलता रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आज हम बात कर रहे थे, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको ऐसी ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। जय माता जी, जय श्री हनुमान जी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम